वी विल नाउ डिस्कस स्पेसिफिक स्किल्स दीज आर कोर और बेसिक टू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजिकल सर्विस और द एरिया ऑफ़ स्पेशलाइजेशन नाउ ऑब्वियसली स्पेसिफिक स्किल्स वो स्किल्स हैं जो डिफर करती हैं इन योर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए स्पेसिफिक स्किल्स अलग होंगी एक काउंसिलिंग साइकोलॉजिस्ट के लिए अलग होंगी एक एजुकेशनल साइकोजिस्ट के लिए अलग होंगी एक सोशल साइकोलॉजिस्ट के लिए अलग होंगी एंड सो ऑन दीज आर स्किल्स दैट आर कोर और दैट आर बेसिक टू द फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन साइकोलॉजिस्ट हैज़ हाउएवर अलग अलग प्रोफेशंस अलग अलग फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन के बाद भी आप साइकॉलॉज आप स्पेसिफिक स्किल्स को क्लासीफाई कर सकते हो इन टू फोर डिफरेंट टाइप्स इसमें हमारे पास आता है कॉम्युनिकेशन स्किल्स साइकोलॉजिकल टेस्टिंग स्किल्स इंटरव्यूइंग स्किल्स एंड काउंसलिंग स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स में हमारे पास मेनली चार स्किल्स होती हैं स्पीकिंग एक्टिव लिसनिंग बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल स्किल्स काउंसलिंग स्किल्स में भी हमारे पास तीन होती हैं इम्पेथी पॉजिटिव रिगार्ड एंड ऑथेंटिसिटी ऑब्वियसली एम्पथी एंड पॉजिटिव रिगार्ड वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू टाइम्स अर्लियर आल्सो इन चैप्टर फोर आल्सो इन चैप्टर फाइव आल्सो वी हैव डिस्कस्ड सो मे बी वी कैन रश ऑन एट Firstly, we have communication skills. What are the characteristics of communication? Firstly, communication is dynamic, it keeps on changing very rapidly because uh, the process of communication is constantly in a state of change. As the expectations, attitudes, feelings, and emotions of the person who are communicating change, the nature of their communication also changes. See. बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है आप किसी से बात करो तो आप प्लान करके नहीं जाते कि मुझे ये, ये 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 बात करनी है आपने पूछा कि कैसे हो अगर पर्सन ने बोला अच्छे हो तो शायद आपका टॉपिक चेंज हो जाए अगर पर्सन ने बोला कि नो आई एम नॉट फीलिंग वेल तो यू मे आस्क कि व्हाट इज़ द मेन इशू ठीक है सो द कम्युनिकेशन फ्लोज़ एंड हैंस इट इज़ डायनेमिक इन नेचर सेकेंडली कॉम्युनिकेशन इज़ कॉन्टिन्यूस बिकॉज इट Never stops. Your communication is continuous in nature. Whether we are asleep or we are awake, we are always processing ideas or thoughts. Hence, our, remain, our brain remains active. Next, communication is irreversible because once we send a message, we cannot take it back. Once we have made a slip of tongue, Given a meaningful glance or engaged in an emotional outburst, we cannot erase it. So इट um, सो कहते हैं ना कि मुँह से बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आ सकते सो कम्युनिकेशन इज लाइक दैट इ रिवर्सेबल होता है आपने एक बार कुछ बोल दिया तो आपने बोल दिया ठीक है इट वोंट कम बैक या आपने नॉन वर्बली भी अगर कोई चीज़ एक्सप्रेस कर दी किसी ने आपको कुछ बताया और आपने बहुत कन्फ्यूज uh, सा एक्सप्रेशन दे दिया सो दैट एक्सप्रेशन इज़ ऑल्सो टेकन इन टू कंसिड्रेशन बाई दी अदर पर्सन इट कैन नॉट बी रिवर्स यू कैन नॉट टेक इट बैक आर अपॉलोजीज और डिनाइल्स कैन मेक इट लाइट बट कैन नॉट स्टैम्प आउट वॉट वॉज कम्युनिकेटेड आपने अगर कुछ गलत बोलने के बाद अपॉलोजी कर भी दिया आपने सॉरी बोल भी दिया देन ऑल्सो थोड़ी बात हो सकता है हल्की हो जाए बट We can't say that will reverse or will be Communication is interactive because we are constantly in contact with other people and with ourselves. Others react mm -hmm. to our speech and actions, and we react to our own speech and actions, and then react to those reactions. Thus, a cycle of action and reaction is the basis of our communication. It is a cyclic process and interactive in nature.

इज़ द इंट्रा पर्सनल कॉम्युनिकेशन कई बार होता है कि हम जब खाली बैठे होते हैं तो हम सोच रहे होते हैं हम खुद से कम्युनिकेट करते हैं तब दैट इज़ द इंट्रा पर्सनल कॉम्युनिकेशन इसमें आपका थॉट प्रोसेस डिसीजन मेकिंग और यू कैन से प्रॉब्लम सॉल्विंग इंट्रोस्पेक्शन ये सारी चीज़ें आपकी इंट्रा पर्सनल में आती हैं देन वी हैव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ द कम्युनिकेशन दैट हैपन्स बिटवीन टू और मोर पीपल जब आप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ खड़े होते हो या आप अकेले में किसी एक फ्रेंड से बात कर रहे हो दैट इज़ अ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो कॉन्वर्जेसन होता है दैट इज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सॉरी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एग्जाम्पल जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हो किसी से अगर आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है या आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस जो होते हैं ये सब आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आते हैं देन वी हैव पब्लिक कम्युनिकेशन हेअ अ स्पीकर सेंड्स अ मैसेज टू एन ऑडियंस यानी कि एक स्पीकर है और बाकी लोग लिसनर्स हैं ऑडियंस हैं वो सिर्फ आपकी बात सुन रहे हैं वो हो सकता है एंडिंग में क्वेश्चन पूछ लें बट अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ यूजअली वन वे ये टू वे हो हो सकता है अगर आप क्वेश्चन के लिए ओपन रखो बट फिर भी कॉन्टिन्यूसली टू वे नहीं रहता है एट दी एंड या बीच में आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो बट कंटिन्यूसली टू वे नहीं चलता है ठीक है सो एंड एग्जाम्प दी एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन कैन बी डायरेक्ट जब आप फेस टू फेस करते हो बहुत सारे पॉलिटिशन्स uh, अपनी स्पीचेस देते हैं जनता को या पब्लिक um, को दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन अगर फेस टू फेस है एंड इनडायरेक्ट हो सकता है जब रेडियो पर या टी वी पर जैसे प्राइम um, मिनिस्टर की स्पीच आती है कभी टी वी पर एक्सेट्रा दैट इज़ इनडायरेक्ट वे कॉम्पोनेंट्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन इसमें हमारे पास फर्स्टली वी हैव एनकोडिंग एनकोडिंग आइडियाज़ को लेना उनको कुछ मीनिंग देना एंड पुट दैम इन टू मैसेज फॉर्म्स और फिर उसको मैसेज के फॉर्म में डालना एन कोडिंग इज बेस्ड ऑन प्राइमरी सेंसरी सिग्नल्स जो हम सेंस करते हैं चीज़ें थ्रू आर साइट थ्रू आर हियरिंग थ्रू टेस्टिंग थ्रू स्मेलिंग एंड थ्रू टचिंग दैट इज़ वॉट इनकोडिंग इज बेस्ड अपॉन सेकेंड इज डी कोडिंग डी कोडिंग इज़ ट्रांसलेटिंग दिज मैसेजेस दैट यू हैव इनकोडेड इन टू अंडरस्टैंडेबल फॉर्म्स यानी कि आपको कोई स्मेल आई अब रिकोगगनाइज करना कि अच्छा ये शायद वनिला की स्मेल है या ये शायद लैवेंडर की स्मेल है सो उसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म्स में रखनाइज डी कोडिंग इट इज़ डन बाय द पर्सन हु रिसीवज द मैसेज थर्ड इज स्पीकिंग स्पीकिंग थ्रू लैंग्वेज इज एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन

दिस इज़ द बेसिक कम्युनिकेशन प्रोसेस सेंडर बेसिकली एक receiver को message भेजता है इसमें बहुत सारे components होते हैं वो एक्चुअल वर्ड्स जो आपने यूज़ करे हैं मैसेज को देने के लिए आपने किसी को कोई एक बात बोली तो क्या वर्ड्स यूज़ करें दैट इज़ फर्स्ट थिंग क्या आर्टिफैक्ट्स हैं उसमें दैट इज़ द second थिंग जब आप बोल रहे थे तो आपका जेस्चर पॉस्चर एक्सप्रेशंस हैंड मूवमेंट्स आपकी ड्रेसिंग सेंस एक्सेट्रा कैसा था दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दीज आर द नॉन वर्बल क्यूज देन आपने इंफॉर्मेशन कितनी दी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं देनी, देनी चाहिए बहुत कम भी नहीं इट शुड बी क्लियर प्रिसाइज एंड क्रिस्प आपने कम्युनिकेशन किस चैनल से दिया वेदर इट वॉज़ फेस टू फेस और इट वॉज़ ओवर रेडियो और इट वॉज़ ओवर मोबाइल फोन और इट वॉज़ ओवर टी वी वॉट एवर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग हेयर नॉइज़ कितनी थी दैट इज़ अनदर आस्पेक्ट एंड पैरा लैंग्वेज इज द लास्ट आस्पेक्ट पैरा लैंग्वेज में आपने जो बोला है उसमें आपका टोन इंटोनेशन फॉलिंग टोन राइजिंग टोन ऑल ऑफ दीज आर पॉज कितना लिया है आपने बोलने में ऑल ऑफ दीज आर दी एस्पेक्ट्स ऑफ पैरा लैंग्वेज यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर इसके बाद हमारी लिसनिंग आती है लिसनिंग इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से तो जब सामने वाला बोल रहा है तो आप अटेंटिव रहो आपको उस टाइम पे पेशेंट होना चाहिए और नॉन जजमेंटल होना होना चाहिए एंड साथ ही कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप सामने वाले की बात को एनालाइज कर सको एंड बाद में रिस्पॉन्ड कर सको नाउ हियरिंग एंड लिसनिंग आर डिफरेंट लिसनिंग का सिर्फ जो बायोलॉजिकल पार्ट होता है यानी कि किसी ने कुछ बोला आपके कानों में वो आवाज़ गई दैट बायोलॉजिकल प्रोसेस इज हियरिंग बट लिसनिंग में आपकी और भी बहुत सारी सारी चीज़ें आती हैं जो बोला गया है जो आपने हियर किया है वट एवर यू हैव हर्ड उसको मीनिंग देना उसमें उसको कॉम्प्रहेंड करना एंड देन बाद में रिस्पोंड करना ऑल ऑफ दिस इज लिसनिंग सो हियरिंग इज ओनली वन पार्ट ऑफ लिसनिंग द बायोलॉजिकल पार्ट लिसनिंग ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अटेंशन असाइनमेंट ऑफ मीनिंग एंड रिस्पॉन्स आफ्टर हियरिंग

अपनी आप की इस बारे में बात करना चाहते हो वो ज़रूरी नहीं है आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला क्या बात करना चाहता है यू शुड गिव कंसिड्रेशन टू ऑल्सो टू अदर्स एंड वॉट दे से यू शुड बी केयरफुल टू द इमोशनल रिस्पॉन्स विच सर्टिन वर्ड्स आर लाइकली टू ब्रिंग अबाउट आपको इमोशनल मैसेजेस को भी लेना चाहिए यू शुड बी अवेयर दैट योर पॉस्चर इफेक्ट्स योर लिसनिंग डिस्ट्रैक्शनस को कंट्रोल करना चाहिए अगर कि सामने वाले ने कुछ बोला और आप डाउट में हो कि जो आपने समझा है कि आपने सही समझा है देन यू शुड ट्राई टू पैराफ्रेज पैराफ्रेज मीन्स कि सामने वाले की बात को अप आप, को आपने क्या समझा है उन वर्ड्स में बोलना ठीक है सो दैट यू कैन इंटरप्रेट इट प्रॉपरली ऑल्सो चेक विद द सेंडर वेदर ही और शी हैज़ बीन करेक्टली अंडरस्टुड बाई यू यू शुड विजुअलाइज वॉट इज बींग सेट सामने वाला कुछ बोलता है तो उसे विजुअलाइज करने की कोशिश क्या करो um, उसको एक एक्शन या इमेज की फॉर्म में अपने माइंड में बनाऊँ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी हमेशा चीज़ इसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज रिसेप्शन इट इज़ द इनिशियल प्रोसेस दैट इज़ इन्वॉल्व इन लिसनिंग इट इन्वॉल्व्स हियरिंग द मैसेज अलॉन्ग विद दर ऑब्जर्वेशन ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस पॉस्चर मूवमेंट एंड अपीयरेंस यानी कि लिसनिंग का स्टार्टिंग का प्रोसेस इज रिसेप्शन यहाँ पर मैसेज को सुनना और साथ में सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशन पॉस्चर मूवमेंट अपियरेंस को भी ऑब्जर्व करना ये सब आपके रिसेप्शन में आता है यानी कि हियरिंग एंड सामने वाले के नॉन वर्बल की उसको समझना इज रिसेप्शन देन वी हैव अटेंशन रिसेप्शन के बाद का नेक्स्ट प्रोसेस होता है अटेंशन इट इज़ द प्रोसेस दैट हैपन्स आफ्टर द मैसेज इज रिसीव एंड इन्वॉल्व अ पर्सन अटेम्प्टिंग टू लिसन एंड अंडरस्टैंड इट। यानी कि मैसेज रिसीव करने के बाद समझने की कोशिश करना सुनने की कोशिश करना इज अटेंशन देन एज आई टोल्ड यू पैराफ्रेजिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जो भी बोला गया है उसकी एक समरी लेना एंड उनको रीस्टेट करना कि आपने क्या समझा है दैट इज़ पैराफ्रेजिंग दिस इन्वॉल्वस रिपीटिंग टू द स्पीकर वॉट यू थिंक ही और शी हैड जस्ट सेड इन ऑर्डर टू चेक वेदर वॉट यू अंडरस्टूड इज करेक्ट यानी कि चेक करने के लिए कि आपने जो समझा है सही समझा है सामने वाले की बात को अपने वर्ड्स में रिपीट करना देन बॉडी लैंग्वेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इट इज़ कम्पोज ऑफ ऑल दोज मैसेजेस दैट पीपल एक्सचेंज बिसाइड्स वर्ड्स इसमें आपके जेस्चर पॉश्चर आई कॉन्टैक्ट क्लोदिंग स्टाइल बॉडी मूवमेंट ये सब कुछ आता है अगर करंट और पास्ट पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर में कोई कंसिस्टेंसी है और हार्मनी है आपके वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस में तो इसे हम कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं हार्मनी होना यानी कि मैं बोल तो रही हूँ कि मुझे आपकी बात सुन के बहुत बुरा लग रहा है लेकिन मेरे फेस पे स्माइल है दैट मीन्स मेरे नॉन वर्बल और वर्बल मैच नहीं कर रहा है हार्मनी नहीं है ठीक है, so, आप जो बोल रहे हो वो आपके चेहरे पे, आपके जेस्टर पोस्टर से भी दिखना चाहिए ऐसा ना हो दोनों चीजें कॉन्ट्रोडिक्टी हों अगर नहीं होंगी तो इनकॉन्ग्रुएंसी होगी और बॉडी लैंग्वेज और वर्बल लैंग्वेज में कॉन्ग्रुएंस सॉरी हार्मनी होना इस टर्म डाज कॉन्ग्रुएंसी विद दिस वी आर डन विद ऑब्जर्वेशनल स्किल्स